अगर आपके घर के आसपास हैं कबूतर या आपके घर के आसपास कबूतरों ने घोंसला बना दिया है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि दुनिया में आधे से ज़्यादा लोग हर दिन अमीर बनने का सपना देखते हैं, कोई गरीबी में जीवन नहीं बिताना चाहता। हर व्यक्ति को आज के समय में सुख सुविधा पाने की तमन्ना रहती है और यही कारण है कि गरीबी का नाम सुनते ही व्यक्ति की रूह कांप जाती है। पहले तो इंसान पैसा सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही कमाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस युग में पैसा न केवल हमारी ज़रूरत पूरी करता है बल्कि व्यक्ति को समाज की नज़रों से ऊपर भी रखता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं कबूतरों के बारे में और मधुमक्खी के छत्तों के बारे में, मकड़ी के जालों के बारे में। ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे जो कि आपके घर के आसपास ये सारी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और अगर घंटी नहीं बजाई है अभी तक तो घंटी ज़रूर बजाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, अगर शास्त्रों के अनुसार आपके घर में कबूतर का घोंसला अगर बने तो वो आर्थिक स्थिति के लिए ठीक नहीं माना जाता। यही कारण है कि घर में आर्थिक समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए अगर आपके घर में कहीं भी कबूतर का घोंसला हो तो उसे तुरंत हटा दें। हम आपको बता दें मधुमक्खी के छत्ते के बारे में, मधुमक्खी का छत्ता घर में जितना हो उतना ही ज़्यादा खतरनाक होता है और यह आपके घर के लिए दुर्भाग्य और दरिद्रता लाता है। इसलिए अगर आपके घर में मधुमक्खी का छत्ता हो तो उसे तुरंत हटवा दें। मकड़ी के जाले भी अगर आपके घर में हो तब हो सकता है कि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा हो, तो क्योंकि आपके घर ने नकारात्मक शक्तियों ने घेर रखा है। और ऐसे में यदि आपके घर में कहीं भी मकड़ी का जाल दिखाई दे तो उसको तुरंत हटा दें। और वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में अगर टूटा हुआ शीशा हो तो उस टूटे हुए शीशे को गरीबी के प्रतीक के रूप में माना जाता है। दरअसल घर में टूटा हुआ शीशा नकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करता है और इसके साथ ही यह आर्थिक स्थिति को भी बिगाड़ता है। इसलिए यदि घर में टूटा हुआ शीशा रखा हो तो उसे तुरंत हटा दें या फेंक दें। अगर आपके यहाँ चमगादड़ ने अपना घर बना लिया है तो ये बीमारी होने का संकेत है, क्योंकि घर में चमगादड़ का होना बीमारी, दुर्भाग्य और गरीबी को बुलावा देता है। इसलिए आप शाम होने से पहले अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर दें ताकि चमगादड़ आपके घर के अंदर ना आ सके। अगर आपकी दीवारों में जगह जगह छेद हो गए हों तो ये आपके घर की खूबसूरती को तो भंग करता ही साथ में दुर्भाग्य को बुलाता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके दीवारों के होल को भर दें। और यदि आपके घर में टपकता हुआ नल है तो पानी को व्यर्थ तो करता ही है बल्कि सकारात्मक ऊर्जा को भी घर से बाहर करता है। इसलिए जल्द से जल्द अगर कोई टपकता हुआ नल आपके घर में हो तो उसे ठीक करवा दें। कई बार हम जब घर से निकल रहे होते हैं तो रास्ते में हमें सुअर दिख जाता है। तो दोस्तों, कीचड़ में लिपटा हुआ सुअर अगर आपको दिख जाए तो वो दिन बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।